Hello guys, how are you all? Welcome back to Chem Infusion, and I am Devasis Panda, and I am an IIT JEE and NEET mentor with 4 years of experience. So guys, I have made a strategy for you how to cover up your NEET 2020 and IIT JEE Main 2020 syllabus in 7 months. Okay. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में आपको एक गिव अवे कंटेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा जिसमें मैं 5 बुक्स आपको डोनेट करूँगा. ठीक है, तो कैसे भाग लेना है इसके लिए आप वीडियो के अंत तक देखिए. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें नीट 2020 के लिए या फिर आपका IIT JEE Mains 2020 के लिए, इसके लिए मैं 2 अदर वीडियो बनाऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर जो मैं बोलूँगा, यहाँ पर कौन सी चैप्टर को किसके बाद पढ़ना है और मैं कैसे क्लासेस लाऊंगा YouTube पे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि ये मेरा ओरिएंटेशन क्लास है. ठीक है, तो मैं जो टोटल आपका 30 चैप्टर्स है और 30 चैप्टर्स को अगर मैं मान लूँ एक चैप्टर को 1 वीक में मैं कवर करूँगा क्लास वाइज, ठीक है, तो 30 चैप्टर को आपका हो जाएगा 30 वीक्स. 30 वीक्स मतलब 7 मंथ. तो 7 मंथ मतलब हमारा जो टारगेट है फेब्रुअरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फेब्रुअरी से लेकर मई के बीच में कभी आपका नीट 2020 होने का चांस है. तो उसके हिसाब से हम उसके बाद जब कवर अप हो जाएगा बहुत सारे रिविजन्स करेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में आपका दूंगा IIT JEE Mains एंड नीट लेवल का. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे जाके फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पे डेली टेस्ट होता है और उसका वीडियो सोल्यूशन में मैं डालता हूँ वहाँ पर, और टेलीग्राम पे वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. तो दोनों प्लेटफॉर्म में जाके मुझे फॉलो कीजिए, उनका लिंक मैं नीचे दे के रखा हूँ. तो गाइज, जो 30 चैप्टर से मैंने बोला आपका केमिस्ट्री का, उनको मैं 5 यूनिट में डिवाइड कर लिया है. तो यूनिट 1 जो है इसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है बेसिक्स पे ध्यान देना है. ठीक है, तो बेसिक्स से शुरू करेंगे तो आस्ते धीरे धीरे और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. तो यूनिट 1 जो है 11th के आपका जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें से सारे चैप्टर्स आते हैं. तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं. तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मोल कंसेप्ट होता है. ठीक है, इसको पहले जानना ज़रूरी है, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सारे चीज़ें वहाँ पर हम पढ़ेंगे. ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारे चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली जो मैं बोला कि फाजन्स रूल इंपॉर्टेंट होता है और हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 टाइप का होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. लेकिन यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे गैस और लिक्विड. ठीक है, और सॉलिड को हम बाद में पढ़ेंगे. फिर हम कवर अप करेंगे थर्मोडायनामिक्स, फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ेंगे रिडक्स रिएक्शन. और ये इसका टेंशन मत लो, ये जो 5 यूनिट का 5 पेज है मैं इसको फोटो खींच के आपका इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लूँगा. तो आई थिंक ये जो यूनिट 1 है इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा. ठीक है, क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक्स है, इनको सही से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं. जैसे कि मैं पकड़ लूँ आपको इंस्टाग्राम पे छोड़ूंगा वीकली स्केड्यूल. ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मोल कंसेप्ट, वो लगभग 2 वीक्स लग सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर मैं वीकली स्केड्यूल बनाऊँगा, क्लासेस छोड़ूंगा, उसके हिसाब से जो क्लास छोड़ूंगा नोट छोड़ूंगा, फिर आपका टेस्ट करवाऊँगा वहाँ पर. तो टेस्ट से मत भागिए, टेस्ट दीजिए, उससे मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में नहीं हो रहा है. फिर यूनिट 2 जो आएगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में. ठीक है,
फिर पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 13 ग्रुप 14 में, ग्रुप 13 ग्रुप 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ग्रुप 13 में बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ग्रुप 14 में सिलिकॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं, सिलिकॉन का जो वेरियस कंपाउंड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक का ग्रुप 13 14, इसको बस आई थिंक दो हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे ये तीनों को, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो भी एक्सेप्शन है उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दूंगा तो आपको इजी हो जाएगी, और बहुत सारे टेस्ट करवाऊंगा इसका, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा और उनका सलूशन करवाऊंगा, उससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर इसके बाद जो चैप्टर आएगी इस पे ध्यान देने वाली बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि क्रोमाटोग्राफी वगैरह, ठीक है, फिर कैसे आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है जो भी है कोई मॉलिक्यूल का, वो सारे चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चंस आता है। फिर पढ़ेंगे जीओसी, दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पार करना है तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, जो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ गया और हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस, ये सारे चीज़ें बात करेंगे हम। और मैं जनरल केमिस्ट्री का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी क्लासेस ले रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, बाद में वो चीज़ें हम थोड़ा स्कीप कर लेंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, और रिविजन टाइम में और एक बार मैं क्लासेस लूँगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आएंगे आपका जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेट इज सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन, ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पाँच नंबर में आएगा आपका हाइड्रोकार्बन्स, डेट इज़ अल्केन अल्किन एंड अल्काइन, और उसके साथ में बेंजीन भी पढ़ा दूंगा आपको वहाँ पर। फिर छः नंबर जो सब्जेक्ट है और चैप्टर है यूनिट टू का, वहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने रखा है जो कि एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। यूनिट थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है लेकिन आसान भी होता है, बहुत कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फिजिकल्स के चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट बहुत आसान होता है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन कर मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे करके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी दूंगा, आपको आसान हो जाएगा। सोल्यूशन में थोड़ा दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो स्टूडेंट मोल कंसेप्ट में क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो सोल्यूशन डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, सोल्यूशन भी एक दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दो तीन क्लास में बनाऊंगा सिर्फ कैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम आएगा कैसे उसको आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है, सारी चीज़ें बोलूँगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लासेस में अनअकैडमी में बना चुका हूँ, अगर चाहते हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लासेस बनाऊँगा, और ये भी बहुत आसान सा सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा स्टूडेंट्स कभी कभी घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिडक्स रिएक्शन पढ़ा लिया पहले, जो हम यूनिट वन में पढ़ेंगे ना रिडक्स रिएक्शन, अगर उसको सही से पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेशली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ईएमएफ से आते हैं, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है, नेंट इक्वेशन, ये सारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे चीज़ें हम अच्छे से पढ़ा देंगे डिराइव करके, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, कोई टेंशन नहीं है। फिर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर मैं क्लास नहीं लाऊंगा बाद में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी क्लास में यूट्यूब में अपलोड करके रखा हूँ। फिर सरफेस केमिस्ट्री के बारे आता है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या होगा वो भी एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा आई थिंक, और उसका एक दो क्लास ले लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर चैप्टर नंबर यूनिट नंबर चार के बारे, तो यहाँ पर सिर्फ आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर्स होंगे, यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नेम, एक नंबर का चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसको हम बोलते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन, ओके। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 15 से 18 तक,
और ग्रुप 18 सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, जो कि पी ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मांगता है, उनका जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन मांगता है, मतलब आपका जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल वो बनाएंगे उसमें से आपका जो ग्रुप 18 एलिमेंट होगा उनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, या फिर वो जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर डी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे अच्छे से कवर अप करेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेकिन ए ब्लॉक एलिमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको सारे एलिमेंट्स याद रखना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखने के लिए थोड़ा सा जो आता है ना एक्सेप्शंस, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए ब्लॉक में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और एक्टिनाइड और लैंथेनाइड का कंट्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर एंड में जो आता है कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा लॉन्ग क्लास लेंगे, जैसे कि 5-6 क्लासेस में कवर अप करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उसमें मैं बोलूँगा IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है, उसका आइसोमेरिज्म, ये सारे चीज़ें बोलूँगा, ध्यान से पढ़ना है आपको। और उसमें BBT, CFT, CFC एनर्जी कैसे निकालना है, ये सारे चीज़ें कवर अप होंगे और क्वेश्चंस आते हैं उस पर। फिर यूनिट फाइव सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का है। बेसिक कंसेप्ट पहले हमने क्लियर कर लिया GOC करके, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ये हमको बहुत आसान लगेंगे और बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए यहाँ पर जो यूनिट 5 में सारे सिर्फ जो भी चैप्टर्स हैं ये रिएक्शन वाले हैं, ठीक है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा होगा, और नेम्ड रिएक्शन होगा। तो इसके लिए आपको चीट शीट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीट शीट बनाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमेशा। चीट शीट के द्वारा आपको, चीट शीट में क्या होता है, सिर्फ चैप्टर लिखिए, जैसे कि हालो अल्केन्स पकड़ लिया और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा और सिर्फ रिएक्शन लिख लिए, ठीक है। और वो उसको बस स्टोर करके एक छोटा सा नोटबुक करके सारे रिएक्शंस उसमें लिख दीजिए, कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रिएक्शन को लिखिए, वो बाद में आपको एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे चैप्टर्स हैं हालो अल्केन्स, हालो वारिन्स, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करता है, लेकिन इजी है यार, ठीक है, हम क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अल्कोहल्स, फिनल्स एंड ईथर्स, ये भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। नेम्ड रिएक्शन कुछ आते हैं, और ईथर से भी कुछ नेम्ड रिएक्शन, जैसे कि आपका हो गया विलियमसन सिंथेसिस करके कुछ आता है। और अल्कोहल फिनल से आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ मांगेगा, वो जनरल कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। फिर एल्डिहाइड, कीटन एंड कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें से भी बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन है और बहुत सारा रिएक्शन आएंगे, वो सारे हम इजीली कवर अप कर लेंगे। पहले मैं जो चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक कंसेप्ट, फिर ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आसान लगेगा, मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें आएगा एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, एनिलीन, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे रिएक्शंस भी हैं, और इसके साथ आपको जो मांगेगा वो बेसिसिटी कंपेरिजन करने के बोलेगा, और एसिडिटी बोलेगा किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। तो ये भी बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से कर सकते हो। और उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में और एक आएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ओके। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत काम का चीज़ होता है, उससे हर जो बेंजीन डेरिवेटिव रिंग होता है वो उससे बन सकता है। फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो ये सारे जो मैं इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर लूँगा, और वीकली स्केड्यूल में हर वीकेंड में दूंगा, उसका कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो गिव अवे में कैसे आप पार्टिसिपेट करें अभी बोल देता हूँ। आप पहले तो मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोट जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि आप मेरा जो आने वाला वीडियो है उसको मिस ना करें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जहाँ पर भी आप
देखते हो आईआईटी जेई या फिर नीट के स्टूडेंट, उनके साथ शेयर कीजिए और एक कमेंट नीचे दीजिए आप इस चैनल से और मुझसे क्या चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप बोलना चाहे किस कैसे आप मोटिवेटेड हैं आईआईटी जेई और नीट के बारे में, और आपका प्रिपरेशन प्लानिंग क्या है, जो भी मन में आए नीचे कमेंट करके बोल दीजिए, लेकिन एक ही कमेंट करना, ठीक है। तो गिव अवे के लिए क्या क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, एक कमेंट होना चाहिए, एक ही कमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब मेरा 15,000 व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो में और 1,500 लाइक आ जाएंगे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, और 2,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक लाइव सेशन बना के एक विनर को, जो 5 लौकी विनर होंगे उनको चूज करूँगा और उनका एड्रेस लेके उनको 5 एमएस चौहान का बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना।